अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम अकॉर्डिंग टू द एआरपी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम जो है वो क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट चैप्टर है हिजरत इलम की सिक्याम राज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफारों सतम से तंग आकर अल्लाह ताला के हुक्म से तबलीग दी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना की खातिर मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत नबी क्या लाता। दूसरा सवाल है बच्चों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत के कौन से साल हिजरत फरमाई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। हजरत अमीर रजी अल्लाह ताला अनहा से कौन सी शख्सियत मुराद है, तो आप कहेंगे हजरत अमीर रजी अल्लाह ताला अनहा से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहा की शख्सियत। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से क्या इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तो मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सोए रहो, सबको सुबह को सबके मानते वापस दे, ये फरमाया था। हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अनहा कौन थी, तो हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अनहा हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहा की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, 6 है सॉरी, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबूबकर रजी अल्लाह ताला अनहा को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर फरमाया। कुरैश ने ये ऐलान किया कि जो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहा को गिरफ्तार करके लाएगा, इसको एक खून बहा, मतलब एक खून के बदले 100 ऊंट का इनाम दिया जाएगा। देन है क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट है, सराका बिन हजम कैसे ताब हुआ, कैसे मुतासर हुआ। सराका बिन हजम जब आप सलम पर हमला करने की नीयत से घोड़ा आगे बढ़ाया तो वो ठोकर खा कर गिर गया, दूसरी दफा ऐसा करने की कोशिश की लेकिन इस बार इसके घोड़े जमीन इसका घोड़ा जो है जमीन में धंस गया, जिसके वजह से इसकी हिम्मत टूट गई और वो ताब हो गए और कहा कि मुझे अमन लिख दीजिए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहा के गुलाम ने अमन चमड़े के टुकड़े पर अमन लिख दिया। सराका बिन हिशम को किसने अमन की तारीख लिख दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहा के गुलाम अमारा बिन फहीरा ने चमड़े के टुकड़े पर सराका बिन हिशम को फरमान अमन की तारीख लिख दी। मिर्जा गालिब के कैसे खिलाफ के मालिक थे, चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है, मिर्जा गालिब बहुत नहायत इखलाक के मालिक थे, वो हर शहर से कशीदा पेशानी से मिलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, दोस्तों को देख कर गालिब की हालत क्या होती थी, तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दोस्तों को देख कर मिर्जा गालिब की हालत बाग बाग हो जाते, जब दोस्तों से मिलते तो वो खुशी से खुश और गम से गमगीन हो जाते, इनके हर मजहब और हर कौम के दोस्त थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिर्जा गालिब को कहाँ कहाँ से खत आते थे, मिर्जा गालिब के दोस्त पूरे हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तान के हर इलाके से दोस्त आपको खत लिखते थे। अक्सर लोग गालिब को इस तरह के खत लिखते थे, अक्सर लोग गालिब को पैरिंग खत भेजते थे, लेकिन फिर भी आप इसका बुरा नहीं मनाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहिलों के साथ मिर्जा गालिब को क्या ऐसा सलूक था, मिर्जा गालिब साहिलों की मदद अपनी बसात मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा करते थे, साइलेंट दरवाजे से कोई भी काम मतलब बहुत कम खाली हाथ जाते थे। मिर्जा गालिब के मजाज की खास खूबी क्या थी, जराफत थी। मिर्जा गालिब को कौन सा फल पसंद था, मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद था। सबक मिर्जा गालिब के अदात और फसाइल किस किताब से लिया गया, यादगार गालिब से। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का ताल्लुक किस मुअज्जज खानदान से था, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का ताल्लुक इंसारियों के मुअज्जज खानदान से था। दिल्ली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है, काहिली चैप्टर का क्वेश्चन है पहला, दिल्ली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब दिमागी फ्लाइटों से काम ना लेना, किसी बात की फिक्र और कोशिश ना करना, अपनी जहानत को इस्तेमाल ना करना सबसे बड़ी काहिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना क्यों लाजिम, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना इसलिए लाजिम है ताकि हम अपनी जरूरियात के अंजाम देने की फिक्र रहें और हम इसके लिए तैयार रहें। कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है, कौम की बेहतरी इस वक्त मुमकिन है जब हम अपने दिली कवा को बेकार न रखेंगे और फिक्र कोशिश में मसरूफ न रहेंगे,
कायली को ना छोड़ेंगे तो तब तक कौम की बेहतरी मुमकिन नहीं, इस तरह से बेहतरी मुमकिन हो सकती है। ख्वाजा बसात ने मीर और मिर्जा के कलाम में क्या फर्क तो बयान किया। ख्वाजा बसात ने फर्क फरमाया कि मीर के कलाम आ है और मिर्जा कलाम वाह। शरीफ जादे की गजल सुनकर सौदा ने क्या कहा। शरीफ जादे की गजल सुनकर सौदा ने कहा, मियाँ लड़के तुम जवान होते नजर नहीं आते। सैयद अंशा के इसरार पर जुरत ने कौन सा शेर पढ़ा। सैयद अंशा के इसरार पर जुरत ने ये मिसरा पढ़ा, इस जुल्फ पे पुती शब्बे दिलवजार की सूची। क्वेश्चन नंबर 25 है, ख्वाजा साहब अपने इस शगिर्द से क्या कहते थे कि जो अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा किया करते थे। ख्वाजा साहब के एक शगिर्द बेरोजगारी से तंग आकर दूसरे शहर जाना चाहते थे। हैदर निजातेशी से कहते थे, कहाँ जाओगे, दो घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो, खुदा जो देता है इस पर सबर करो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, साहिब आलम की जुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम असनुल्लाह खान ने जल्दी से इनके आने और जाने पर अजहार तअज्जुब किया। जब हकीम असनुल्लाह खान ने जल्दी से साहिब आलम के आने और जाने पर तअज्जुब का इजहार किया तो साहिब आलम की जबान से उस वक्त ये निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। तो बच्चों जहाँ तक आज इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।